अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। प्यारा सा ब्लॉग शुरू करने लगे अल्लाह ताला का नाम लेके। एक नया ब्लॉग, आज देर होगी काफ़ी ब्लॉग को। एक तो कल की मेरी तबीयत नहीं ठीक, यकीन करें, ऐसी कमर में दर्द हो रही थी। मैंने गोलियाँ वगैरह रात को भी ली, अभी दोपहर को भी ली, लेटी रही हूँ। और ऊपर से सारे मैंने जो भी दो एक बुरके थे वो धोए हैं, तो के सूखे ही अब मैंने पहना है। इतना गंदा हुआ हुआ था, काम शाम करती हूँ तो गंदा हो जाता है। तो इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं किचन में सीधा जा रही हूँ। मैंने कहा आज बैठ के अपने बहन भाई से सलाम दुआ करती हूँ। मेरे चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करती हैं। आज किचन में आ गए मेरे बहन भाई, काम शुरू करते हैं। साथ साथ अपने बहन भाई को ब्लॉग बनाऊंगी, साथ साथ काम कर लूंगी। आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख करोड़ों का शुक्र है। आज मेरे घर पत्ती भी आ गई, माशाल्लाह पत्ती आधा किलो का पैकेट। मैंने कहा बहुत ज्यादा 100-100 रुपए का, यकीन करे खत्म होने थे। सुबह मैं इधर मोहल्ले में दुकान है, औरतों ने डाली हुई है, उधर से 2 20 1 20 वाला और 3 10 10 वाले लाई हूँ। तो फिर मैंने वो चाय बनाई, अब शुक्र है पत्ती आ गई, अब काफी दिन चल जाएगी। अली आओ शाम लो, आओ बटन तो अली ने खुद ही आज ना पैंट शर्ट पहनी मेरे बेटे ने। तो मैंने कहा देर हो रही है आंटी को, तुम्हारे बाबा को खाना देना था, तुम खुद ही पहन लो। मेरे बेटा खुद ही अलमारी से निकाल के पहन के आया। सलाम लो पर ऊंचा बोलो। अब मैं ना आज बना रही हूँ मैं पंजे मुर्गी के, ये मैंने रखे है, कल मैंने ला के रखे थे। अब पहले रखती हूँ पानी गर्म होने, साथ साथ काम करती हूँ, मतलब पानी गर्म होते जाएगा, मैं आटा गूंद लूंगी ताकि जल्दी हो जाए। अली इतनी देर बात करो, मैं काम कर। हाय गाइस, मेरा नाम अली है। मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा है जो मेरे कल का लाया है। और मेरी मम्मा कहती है इसको ग्लासेस दे दो, कपड़े खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉसपैन में मैंने पानी रख दिया गर्म होने, तो कि अच्छी तरीके से मैं अंडे शंडे उबाल लेती हूँ, आलू शालू उबाल लेती हूँ। एक ही रखा हुआ मैंने उबालने के लिए, गर्म हो जाते हैं। इसके ऊपर हम ढक्कन कुछ दे देते हैं, ये नहीं कुछ और देते हैं ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। उतनी देर में आटा गूंथ लेती हूँ। अली साइड पे आज हफ्ता में छुट्टी है, सैटरडे है, अली को भी छुट्टी है, तो मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ये डब्बा वगैरह धो लेती हूँ, परात धो लेती हूँ, आटा गीला करके रख देती हूँ, तो मेरा जल्दी से काम हो जाता है। मम्मा मैं सब तक कर दूँ? हाँ ढक्कन उठाओ, हाथ धुले हुए। अली मेरी पूरी हेल्प करा रहा है। मैं ना आपको दिखाऊंगी, अली कह रहा था ना मेरी बिल्ली, मैं आपसे एक बात कर लूँ। अली कह रहा था ना मेरी बिल्ली, अम्मा कह रही वापस भेजती हूँ, मैं इसलिए कह रही वापस भेजती हूँ। यकीन करें मेरा तो इतना अच्छा कंबल था, मतलब इतना अच्छा लिया था, पता नहीं कितने का मुझे किसी ने दिया था। इसके अली के बड़े बाबा का था, उसके बाद वो उसने कहा दो इतने इतने सुराख किए, और रात को ना उसने 6-7 सुराख किए। मैं भी आपको दिखाऊंगी, आटा गीला करके रख लूँ। हाय गाइस, मैं अपनी मम्मा की हेल्प करूं, मैं आटा खा रही हूं, तब तक मेरी मम्मा पानी ला रही है। हाय गाइस, खाइए तो मेरी मम्मा आटा गूंदने लगी है, मैंने सारा आटा कर दिया, अब उसको हम बंद। अली बेटा बस इतना काफी है, अब ढक्कन दे दो, बस इतना काफी, मैं गूंद लेती हूं। ढक्कन ये पड़ा दे, मेरी मम्मा आपको आटा गूंदती है, तब तक मैं हाथ धो रही। थैंक यू बेटा मुझे आटा छान के देने के, मैंने नमक डाल दिया, मैं सूखे आटे में ही नमक डाल देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आटे को ना गीला करके रख दूंगी, 10 मिनट पड़ा रहता बेटा साइड पे, 10 मिनट पड़ा रहेगा, 10 मिनट के बाद ना मुक्की देके उठा लूंगी ऐसे फटाफट, फिर वो अच्छा आटा गूंदा जाता। वैसे हम घंटा लग जाता आटा गूंदते हुए, तो सही नहीं बनता ये, बड़ा अच्छा। अब ये ऐसे करके रखना, ऐसे गुनना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये चक्की का आटा है इसलिए ऐसे लग रहा है, ये देखे मोशन बहुत अच्छा आटा। कोशिश किया करे चक्की का खाया करे, नहीं तो दूसरे आटे में से तो सूजी भी निकाल लेते, मैदा भी, हर चीज निकाली होती। ये आप कुछ नहीं है तो आप चाय के साथ रोटी भी खा लेना तो आपका पेट भर जाता। मेरे बहन भी गिला कर दी है, अब अच्छी तरीके ऐसे पानी लगा के रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप आधा घंटा भी रख ले, नहीं तो 15-20 मिनट ये रख दें, उसके बाद थोड़ी सी मुक्की देंगे और फौरन रोटी बना लेंगे। ये 10-15 मिनट रख दिया मैंने, गर्म हो गया, वो सॉरी गर्म हो गया, गिला हो गया, पानी हमारा गर्म हो गया था, उबल गया था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया।
अब इसे मैं सेन में ले जाती हूँ, उधर पीढ़ी पे बैठ के ये देखे पंजे हैं मुर्गी के। मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो ये इसका शोरबा बनाते हैं और रोटी के साथ भी खाएंगे। वैसे भी ये बड़ा मजे का बनता है, और नजला जुकाम गला गला खराब हो तो इस तरह ये हम बैठ के साफ करते हैं, यानी जो अंदर से पीढ़ी। मम्मा मैं ले आऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे ने इधर पीढ़ियाँ रख दी है, सेन में अली ले आया। अली मेरा बेटा बहुत काम करता है, जब छुट्टी हो मैं ना ऐसे अंदर डाल देती हूँ दो तीन, ये नरम हो जाएंगे फिर इनको साफ करेंगे। कोई लोग ना कोलों पे करते हैं, अब सर्दियां, अभी मैं आज आग तो जलाती नहीं हूँ, सिलेंडर ही जलाते हैं। ये ऐसे दो मिनट रखते हैं फिर इनको साफ करेंगे, और फिर इसको ना साफ करके धोएंगे अच्छी तरीके, और इनका मसाला वगैरह तैयार करेंगे। हाँ जी ठीक है, ध्यान से गर्म पानी पे डालो, दो तीन और डालो, देखते हैं नरम हुए कि नहीं। ये देखिए हो गए हैं बॉस, ये जल्दी से हो जाते हैं क्योंकि देसी मुर्गी के थोड़े देसी के जल्दी नहीं होते, ये दूसरी है आपको इसके पता जल्दी से हो जाते हैं। मैं और डाल दूं? हाँ डाल, इस तरह साफ करेंगे और इसके नाखून जो है ना ऐसे अच्छी तरीके काटेंगे, साफ करके सारे नाखून वगैरह काट के फिर इनको अच्छी तरीके मल मल के धोएंगे, जरा भी स्मेल नहीं आती। अगर मिसाले से अच्छे तरीके बने हो इनका शोरबा बहुत मजे का बने। इस तरह मैं सारे बहन भाइयों को साफ करके फिर दिखाती हूँ। अच्छी तरीके सारे पंजे साफ कर लिए हैं, और ये अब देखे हो गए, इतनी मक्खियाँ आ गई है और इतनी ज्यादा कीड़ियाँ आ गई है, ये सारे मैंने कर लिए। अब इनको अंदर रखती हूँ, अच्छी तरीके पानी के साथ धोते हैं और ये छिलके सारे इसमें शॉपर में डाल के और फेंक देते हैं, फिर इधर से झाड़ू लगा देते हैं। फौरन मक्खियाँ और कीड़ियाँ आ जाती, गर्मी में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। अब इनको ना अच्छी तरीके पानी में धोऊंगी ना तो साफ हो जाएंगे। आप इस तरह कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखे मैंने अच्छी तरीके ना सारी टोकरियाँ वगैरह धो दी है ताकि स्मेल वगैरह ना आए। ये देखे अब मैंने ना तीन चार पानी धो दिए, अब उसके बाद ना एक पंजा उठाऊंगी। ये नहीं कैसे गंदे ही हम मतलब खाएंगे, कोई भी नहीं गंदी चीज खाता, ऐसे अच्छी तरीके मल मल से धो के पास करूंगी तीन तीन दफा और सारे धो के रख लेती हूँ इस तरह। ये देखे ऐसे कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती, बिल्कुल सही हो जाते। ये देखे कितने वाइट हो गए, बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। ये देखे बिल्कुल खराब साफ और सफेद है, बिल्कुल कोई येलो नहीं है, सारा ऊपर से निकल गया है, और गर्म पानी से ना स्मेल वगैरह भी खत्म हो जाती। फिर भी अगर आपको लगे थोड़ी सी दही डाल देना, दही से और अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा कुकर में बना लेती हूँ, बहुत देर हो गई आज काम को, हांडी को सारे काम को देर होगी। कुकर मैंने धो के रख दिया, मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, आपकी मर्जी घी डाले ऑयल डाले, मैं ऑयल डाल रही हूँ डेढ़ चम्मच। ये बस साथ ही इसके मैं प्याज डाल दूंगी, अगर ज्यादा गर्म करें ना तो स्मेल आने लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल देते हैं, प्याज ब्राउन होता है उतनी देर हम लहसुन अदरक कूट लेते हैं, नहीं बल्कि प्याज ब्राउन होता है हम ना हाथ धो के आटा उठा लेती हूँ, काफी देर होगी आटा पड़े वो आटा सही हो गया होंगे, उसे उठा के रख देते हैं जल्दी से। फिर लहसुन अदरक कूट लेते हैं, एक साइड पे हम रोटी बना लेंगे, एक साइड पे हांडी बन जाएगी, जल्दी हो जाएगा। मुझे आज इतनी है, मैं कहती हूँ अगर जल्दी हो जाए अली के बाबा को खाना दे, असल की हजार भी हो गई है मेरी बहन पे। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे मलाई की तरह, ये देखे इतना आराम से ना रोटी, अभी आप बस उठा के अभी गूंद लें। इस तरह आप ज़रूर ट्राई किया करें, इस तरह खप खपा भी नहीं होता और देर भी नहीं लगती, इस तरह जल्दी से हो जाता है। ये देखे बहुत अच्छा हो गया, अब इसको मैं उठा के ना बस प्याले में डाल के बैठ के रख देती हूँ, 10 मिनट पड़ा रहेगा, अभी मेरे पास टाइम है, अगर ना टाइम हो तो आप फौरन भी रोटी बना सकते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह मैंने प्याले में रख दिया, हाथ धो के इसको ढक देते हैं और इधर साइड पे कर देते हैं, परात को रख देते हैं किचन और बेसन में। किचन क्या है, जितना मर्जी साफ करो फिर भी गंदा ही होता है, जितना मर्जी। ये फिर धो लेंगे, अभी लहसुन अदरक कूट लेती हूँ, क्योंकि प्याज मैंने रख दिए चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं इस तरह ना चापर चढ़ा के रखती हूँ, बहुत इधर ना वो आ जाती है छिपकली, छिपकली की वजह से मैं डालती हूँ। ये देखिए फ्रेश लहसुन अदरक लोगों की मैं कूट लेती हूँ, प्याज हमारा हो जाता है, फटाफट हांडी बन जाएगी। आप इस तरह फटाफट सारे काम अगर कर लेना इकट्ठे दो तीन चार साथ ही हो जाते हैं, फिर काम भी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है।
लहसुन अदरक मैंने कूट लिया है, लहसुन अदरक भी डाल दिया है। अब मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए जो मुझे चाहिए थे मैंने डाल दिए, तो चार हरी मिर्चें भी डाल दी। ये मैं हांडी बना रही हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह रोटी बनाती हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर होंगी, तब तक मेरी तरफ से मेरे ना चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी व्लॉग आपके पास आते रहे। बिस्मिल्लाह मज़ेदार से व्लॉग आपके पास आते रहे, जो डेली के रूटीन वाले वो मैं डालती रहूँगी। प्लीज रेड वाला बटन दबा लें, बेल की बटन दबा लिया करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके, अच्छी अच्छी व्लॉग पहुँच सके। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए रूटीन के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब बस अब मैं हांडी बनती रहेगी, अब मैं गौन उतार के रख देती हूँ, फटाफट अपने काम करती हूँ, किचन समेटती हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरे बहन भाइयों को बहुत शुक्रिया मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।